हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि फूड का टेस्ट सोर या फिर बिटर हो, यानी खट्टा हो या फिर कड़वा हो, तो ये होता है एसिड और बेसिस के कारण, जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर आपकी फैमिली में किसी पर्सन को ओवर ईटिंग के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इनमें से कौन सी रेमेडी उनको सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन? विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी? और रेमेडी को चूज करते समय आप उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखोगे? श्योरली You must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect. पक्का आप एसिड और बेसिस की जो नॉलेज है आपको कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, आप उस नॉलेज को यूज करोगे। Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. और याद करो कि कैसे हम टेस्ट करते थे सोर और बिटर सब्सटेंसेस को बिना उनको टेस्ट किए। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. आप ये ऑलरेडी जानते हो कि एसिड्स हमारे टेस्ट में खट्टे होते हैं और उनका कलर चेंज होता है ब्लू लिटमस से रेड में, जबकि बेसिस आपके कड़वे होते हैं टेस्ट में और वो चेंज करते हैं कलर रेड लिटमस टू ब्लू। Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Litmus एक natural indicator होता है और साथ ही साथ turmeric भी हमारा एक natural indicator है. Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? आपने कभी ये notice किया होगा कि white cloth पर अगर करी गिर जाती है तो उसका जो कलर होता है जब हम उसे सोप से रब करते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि सोप हमारा बेसिक होता है नेचर में। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। और ये दोबारा येलो हो जाता है जब हम उस क्लोथ को काफी ज्यादा वाटर से धोते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, इनको भी यूज कर सकते हैं एसिड और बेसिस के टेस्ट के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एसिड और बेसिस के रिएक्शंस के बारे में और कैसे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई या फिर कैंसिल कर देते हैं। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होती है। इसके बाद आता है डू यू नो, इसमें आपको बताया गया है लिटमस के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. Litmus solution एक पर्पल डाई होती है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचन से, जो कि एक तरीके का प्लांट होता है जो कि Thallophyta डिवीजन में पाया जाता है और ये कॉमनली यूज किया जाता है एक इंडिकेटर की तरह। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है तो उसका कलर होता है पर्पल। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स
टर्मरिक कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंगिया पेटूनिया एंड जेरेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। हमारे पास और भी अदर टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक और कुछ फ्लावर्स के कलर्ड पेटल्स जैसे कि हाइड्रेंगिया पेटूनिया और जेरेनियम, ये इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस सॉल्यूशन में। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स, और इन्हें कहा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर्स या फिर इंडिकेटर्स। इसके बाद आते हैं आपके पेज नंबर 18 पे दिए गए इंटेक्स क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके आगे के चैप्टर को हम कवर करेंगे आने वाले अपकमिंग पार्ट्स के थ्रू। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।